अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। आज न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं, तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके, मॉर्निंग हो चुकी है, 9:30 हो रही। 9:30 होने 9 मिनट्स का। हाँ हाँ चलो, 9:20 हो रही। 9:21 आज कौन सा दिन है? आज जुम्मेरात है। आज जुम्मेरात थर्सडे है। ओके, साथ ही साथ मैं बर्तन भी वॉश कर रही हूँ। मैं क्या आज मैं रेसिपी आप लोगों को शेयर करूंगी। पालक आज व्लॉग नहीं है, व्लॉग भी है, रेसिपी भी है। आज मैं खीमा पालक आप लोगों को शेयर करूंगी। ये मॉर्निंग के टाइम ही शेयर कर लूंगी आज मैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए तुअर की दाल है, इसमें कीड़ा आ गया, धूप रखी मगर नहीं जा रहा। बहुत दिनों से बेकारी चाहिए। सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब मैं जो है मम्मा के लिए दूध लाने जा रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं दूध लाने। फ्रेंड्स मैं जो है अभी जो है दूध ले चुका हूँ। चलिए अब हम घर कर आ चुके। चलिए अब हम अंदर आ रहे। चलिए अब मैं जो है मम्मा को दूध दे के आपसे मिलता हूँ। अब हम आप लोगों को शेयर करेंगे पालक खीमा रेसिपी। और 2 मीडियम साइज के ऑनियन है, ये कट कर चुकी हूँ मैं। फिर 4 से 5 ग्रीन चिल्ली भी डाल चुकी हूँ मैं इसमें। फिर हम थोड़ा सा ये हरा धनिया भी डालेंगे। ओके, जो हमारे पास खीमा है हम ये भी इसमें ऐड कर लेंगे कुकर में। ओके, अब हम मसाले डालेंगे। अब हम ऑयल को डालें। अब अपने अपने हिसाब से डालो, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ ऑयल। अब हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून। ओके, अब हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम डालेंगे पालक में वैसा ही नमक रहता, नमक इसमें कम ही डालना है, 1/2 टीस्पून है, टीस्पून है। ओके, राजीम खालिक में बोले 1/2 टीस्पून बोल के सुना चुड़ा रहे मेरे को, इसलिए मैं बोली 1/2 है थोड़ा सा। ओके, थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे हम इसमें, इसके पास मिलाएंगे हम इसको मिला के। ये नया लाइन है अपना, है ये रेसिपीज के लिए, इसलिए क्या है। वैसे भी मेरे पास नहीं थे लकड़ी के जो चमचे वगैरह, इसलिए लेकर आई मैं। वो बस एक कुल्हाड़ी थी। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह मानी रहे। चलो ऑन कर लेंगे। अभी इसको कुकर का ढक्कन से ढक कर 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट ही पकाना है इसको। तो पहले ही खीमा है ये, एकदम बारीक रहता, पक जाता है 5 मिनट्स में, 2 या 3 विजिल्स में। ओके, अब हम इसको भूनेंगे। खीमा तो गल चुका है, खीमा को तो गलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 या 2 विजिल्स में गल जाता है। ओके, अब हम आलू में ऐड कर लेंगे। बच्चों के लिए आलू बहुत पसंद है हमारे पास, आलू भी हम डाल दें। आप लोग भी डाल सकते हैं अपने अपने बच्चों के लिए आलू। ओके, अब हम इसके साथ ही हम पालक भी ऐड कर देंगे। हम आलू बच्चे शौक से खाते हैं, इसलिए मेरे को डालना पड़ता है आलू। अब इसमें ला करके पालक भी ऐड कर देंगे हम। बहुत ज़्यादा है पालक, लग अच्छे नहीं, ये थोड़ा ही होता है ये पक्के। अरे देख के हाथ दे देगा आपका।
आज का डेली का काम लिखूंगा ना यार। मैं ये पालक को पहले ही चॉप कर दिए, मैं दो तीन पानी से वॉश कर चुकी थी। पालक को भी हम 5 मिनट्स पका लेंगे हम ढक्कन सीटी लगा के। ओके ओके, इसे कवर कर लेंगे हम, उसके बाद 5 मिनट्स पकाएंगे इसको। अरे मैं भूल चुकी थी, भूल गई थी अब्दुल खालिक, अब्दुल खालिक के वजह से, अब्दुल खालिक कुछ भी एक आके मैं शूट करती हूँ बोल के मेरा दिमाग खा लेते, इसलिए मैं भूल चुकी थी। अदरक लहसुन का पेस्ट अभी भी ऐड कर सकते हैं, पालक नहीं गली ना। ओके, ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना पहले गोश्त में डालना है खेमे में, मैं ऊपर से डाल रही हूँ, मैं कुछ नहीं होता, अच्छे से भुना तो भुन जाए पालक तो उसमें मिक्स हो जाता है। ओके, हम बताएंगे इसका रुक, थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, आप लोग नहीं करना ऐसा मिस्टेक, क्योंकि बच्चे जब लेके मैं शूट कर दूँ बोलते रहते ना, जब हमसे भी मिस्टेक हो जाती है बच्चों जब ध्यान नहीं रहता। ओके, क्या डालना क्या नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक होया मेरे से। अदरक लहसुन का जो पेस्ट रहता ना पहले ही डालना था मेरे को खेमे में, नहीं डाली मैं लास्ट में भी डाली, वैसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मतलब पहले ही डालना है, क्योंकि खेमे के साथ ही हम खेमे को जब भूलते हैं ना उसमें थोड़ा सा फ्लेवर अलग आता, इसलिए पहले ही डालना है। ओके, फिर भी माशाल्लाह अच्छा ही बना है हमारा जो खेमा पालक आलू जो सालन है ना, सब्जी बोलते हैं, आलू बोल सालन भी बोल सकते हैं। ओके, माशाल्लाह अच्छा, मैं ऑयल कम ही डाल रही हूँ क्योंकि ऑयल खाना हेल्थ के लिए सही नहीं है ना, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ ऑयल। माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन चुका है ये, अब देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनी। जो हरे सब्जियों में है ना फाइबर रहता है, खाना बहुत ज़रूरी है अपने को, क्योंकि आयरन बनता है फाइबर से, फिर हेल्थी भी बहुत अच्छी रहती है इससे, हरी सब्जी खाने से आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है ये। पालक मेथी या पालक जो हरी सब्जी जितनी भी है वो खाना ज़रूरी है, उसमें फाइबर रहता है और आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है और उसको आयरन भी बढ़ाता है अपने जिसमें अपने बॉडी में। ओके, अब इसका फाइनल लुक भी बता दूंगी मैं। ओके, साथ ही साथ मैं दूध भी यहाँ पे गरम कर रही हूँ मैं। चलिए इसका फाइनल लुक है, फाइनली हमारा आलू पालक खीमा आलू पालक की सब्जी बन चुकी है, देख सकते हैं ना प्यारा सा लुक है ना माशाल्लाह। आप लोगों भी ट्राई कीजिए, ऐसा बना के खाइए और कमेंट में बताइए क्यों कैसा बना। ओके, मैं जैसा अभी ब्रश करके और मुंह धो के आया हूँ, यहाँ पर देखो मेरे बाजू कमी है। अम्मी सलाम करो। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। और अम्मी मुजम्मिल अरबिक जो सब सुन रहे आपको नहीं दिख रहा हूँ मैं, लेकिन अम्मी मुजम्मिल अरबिक सुन रहे हैं अभी। हमारे पास बना रही हूँ मैं कुल्हार लेमन राइस, मैं हमेशा नाइट में जो भी नाइट में बिरयानी लेकर आए थे तो ज़्यादा वही खाए और रोटी खाए, फिर उसके साथ निहारी खाए, फिर जो चावल बच गया था तो मैं बिल्कुल कुल्हार भी बोल सकते हैं, लेमन राइस भी बोल सकते हैं, लेमन राइस मर्जी। आप लोगों को ये रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ मैं पहले ही। हाँ, जैसा बहुत आसान भी है, आसान है, बहुत टेस्टी है,
बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मलिकड़ा भी। यहाँ पे हमारे पास शाम की जो इवनिंग की चाय बन चुकी है, फिर मैं यहाँ पे लोटे में गरम कर रही हूँ, मेरे लिए पानी, गरम पानी पीने के लिए। फिर हम गाजर भी अच्छे से फ्रेश अच्छे से धो लिए हम दो तीन पानी से, इसका हम हलवा बनाना है। अब नेक्स्ट आप लोगों को आज रेसिपी शेयर करेंगे गाजर के हलवे की। ओके हेलो, चलो हाँ जी बेटे, चाय नहीं पीते बच्चे, चाय नहीं पीते, खाली फटाफट फटाफट कद्दू घस रहे गाजर को, थोड़ा आधा मेरे बच्चे भी खा ले रहे ले लेके। ओके फिर पूरा घसने के बाद फिर आप लोगों को बताऊंगी। हाँ स्टार्ट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गाजर का हलवा आप लोगों को रेसिपी शेयर करूंगी मैं। ओके एक गाजर ने गाजर को मैं कद्दू घस लिया है मैं, 1 किलो गाजर है ये, फिर 1 ग्लास दूध है, 1 कटोरा शक्कर है, फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट है, थोड़ा काजू बादाम पिस्ता है ये। अब स्टार्ट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये कुकर ले चुके हैं हम, ओके फिर हम आप कुकर में डालेंगे एक एक से। ओके चलो बिस्मिल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। कुकर में हम डाल देंगे अब ये गाजर को। अब हम गाजर को कुकर में डाल चुके हैं, अब 1 ग्लास दूध ऐड कर लेंगे, गर्म है दूध। ओके अब स्टार्ट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर चूल्हे पे रख देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये कुकर को ढक कर पकाएंगे हम 14 मिनट्स तक। ओके चलो 14 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम देखेंगे कुकर का ढक्कन खोल के। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है और साइडों से दूध भी छूट गया है, देख सकते हैं। ओके अच्छे से गल चुका है। ओके अब ऐड करेंगे हम शक्कर, 1 कप नहीं 1 कप नहीं होता वो, कठोरा है, एक छोटा कठोरा। फ्रेंड्स को भी बोलिए अभी किसकी किसकी लड़ाई हुई। मेरे क्या डांट पड़ी अब्दुल खालिक को आज डांट। थोड़ा देसी घी भी ऐड कर लेंगे हम इसमें, फेवरेट नम नम। ओके जो पानी है ना अब ये सूखने देंगे हम, आप चाहे तो वाटर में पानी में भी पका सकते हैं, मगर फ्लेवर अच्छे आने के लिए दूध में पकाना चाहिए, क्योंकि दूध में पकाने से अच्छे से फ्लेवर आते हैं, टेस्ट भी बढ़िया होता है दूध में पकाने से। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लेंगे हम। ओके काजू बादाम पिस्ता है ये, गार्निश के वास्ते भी थोड़े रख लेंगे हम साइड में। अब फिर अब 10 मिनट्स पकाएंगे हम इसको, जो शुगर का जो पानी सिरप है ना ये सूखने देना है हमको। ओके गाजर तो खुश हो रहा है हमारा, क्योंकि इसमें शक्कर डाल के, फिर इसको असली घी डाल के, फिर इसमें ड्राई फ्रूट डाल के, फिर इसको दूध डाल के पका रहे हैं ना, इन्हें खुश हो रहा है। बाबा मेरे को कितने अच्छे से पका रहे हैं ना सब मिलके, मेरे को अच्छे से दूध से निला दिए, मेरे को ड्राई फ्रूट्स भी खिला दिए मेरे को, हाँ समझ रहा गाजर भी, खुश हो रहा गाजर भी हमारा। ओके ऐसा बना के खाइए, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये हलवा, बहुत बोल दो बहुत बच्चों को वास्ते तो बहुत पसंद से खाते हैं बच्चे। ओके अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, 2 से 3 इलायची है ये, इसका पाउडर बना ली मैं, ऐड कर लेंगे हम। आप लोग चाहें तो गाजर के हलवे में मलाई भी डाल सकते हैं और खोवा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं है खोवा और मलाई, इसलिए मैं दूध से ही बना रही हूँ। मैं इसमें पानी थोड़ा सा भी पानी नहीं डाली, सिर्फ दूध से ही बना रही हूँ। ओके आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं, और मीठा भी जो अपने अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं, मीठा ज़्यादा मीठा खाने खाए तो
शक्कर ज़्यादा डालिए या कम खाते मीठा तो कम डालिए। ओके फाइनली हमारा गाजर का हलवा बन चुका है हमारा। ओके इसका फाइनल लुक बताएंगे, डिश आउट करूँगी मैं अब के बाद इसका फाइनल लुक बताऊँगी आप लोगों को। ओके ये हमारा गाजर का हलवा है, ये फाइनल लुक है हमारा। ओके आप लोगों भी बनाओ फिर अपने अपने बच्चों को खिलाओ, बहुत टेस्टी दिखने को तो टेस्टी दिख रहा, खाने में भी टेस्टी है। ओके फिर आप लोगों भी बनाओ के फिर हम लोग मैं बच्चों को दे देती हूँ मैं। ओके हमारे डिनर में चावल बन चुके हैं, सुबह जो बनाई थी ना मैं पालक और खीमा आलू डाल के वो भी सालन है, और दही मैं दही का तड़का बना रही हूँ, दही का तड़का बना रही हूँ। फिर चावल भी यहाँ पे हमारे बन चुके हैं चावल, अब मैं वो भी सालन है हम लोगों के पास। फिर मैं ये थोड़े से पापड़ तल लूंगी, फिर दही का तड़का भी बाहर गए नहीं, फिर मेरे हस्बैंड भी नहीं है इनके अब 12 o'clock को गए थे सुबह मॉर्निंग में, अभी नहीं आए, अब आते होंगे थोड़ी देर से 15-30 मिनट्स। चलिए ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करिएगा क्योंकि हमको मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट व्लॉग और रिसेप्टी तक अल्लाह हाफिज, बाय, याद रखना, दुआ में याद रखना, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखना, सर्दियों का मौसम है, अपना अपना ख्याल रखना। ओके अल्लाह हाफिज़, बेखैर।